सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल और सलाम। यूपी से बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आ रही है। यूपी की रोडवेज बस में तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने भीषण टक्कर मारी है, जिसमें 24 यात्री हैं जो घायल हो चुके हैं। वहीं 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं और सबसे ज़्यादा यहां पर घायल होने की खबर बस के चालक, परिचालक और 2 यात्रियों को लेकर आई है। हालांकि ट्रक ड्राइवर भी घायल हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा गंभीर रूप से घायल यहां पर बस ड्राइवर और बस के यात्री हुए हैं, जिनमें से 2 लोगों की जान जाने की खबर भी सामने आई है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये घटना कहां, कब और किस प्रकार हुई है। दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश के कुठार थाना क्षेत्र के गोटैया पुल के पास हुई है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है, दिल्ली से गोरीफंटा जा रही रोडवेज बस सवारियों को लेने के लिए सड़क के किनारे खड़ी हुई थी। घना कोहरा होने के कारण जो विजिबिलिटी कम थी और तेज़ रफ्तार से आ रही ट्रक को बस के ड्राइवर को नज़र नहीं आई और ऐसे में ये बड़ा हादसा हो गया। तेज़ रफ्तार से ट्रक रोडवेज बस से टकरा जाता है। खड़ी रोडवेज बस में तेज रफ्तार के द्वारा दी गई टक्कर जो है वो ड्राइवर साइड से लगती है। ऐसे में ड्राइवर बस का ज़्यादा गंभीर रूप से घायल है, 2 यात्री भी गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं कुछ यानी कि 2 लोगों की जान जाने की खबरें भी सामने आई हैं। इसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच जाता है, लेकिन वहाँ पर मौजूद स्थानीय निवासियों के द्वारा घायलों को जल्दी ही स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जाता है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको वहाँ के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। मौके पर पुलिस पहुँचती है, यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं निवासी वो पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस भी मौके पर पहुँचती है, एम्बुलेंस की कई गाड़ियाँ साथ आती हैं और घायलों को जल्दी ही अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और यहाँ पर जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें जिला अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। यहाँ पर स्थानीय लोगों ने भी बड़ी सूझबूझ के साथ घायलों की सेवा की है, तो उनके लिए एक लाइक तो बनता है। और पुलिस ने भी यहाँ पर तत्काल एक्शन लिया है और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, क्योंकि प्रदेश में जो वर्तमान में मौसम खराब चल रहा है उसकी वजह से धुंध कोहरा छाया हुआ है, 0 विजिबिलिटी के कारण इस यह घटना को अंजाम दिया गया है। देते रहेंगे ताज़ा खबरें, बने रहिए S24 न्यूज़ के साथ।